नमस्कार मैं अंजलि मिश्रा स्वागत है आपका हमारे चैनल में समाजवादी इत्र को लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के घर लगातार छापेमारी हो रही है और छापेमारी में एक के बाद एक नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी पीयूष जैन के घर में बने तहकाने से दो किलो चांदी पच्चीस किलो के सोने की सिल्लिया और नोटों से भरे नौ बोरे और बरामद हुए हैं यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नोटों की बरामदी का जो ये सिलसिला है वो अब तक जारी है के बाद एक कई सारे नोटों की गड्डिया बरामद की जा रही है पांच पांच सौ के नोट है आलम कुछ ऐसा है कि नोट गिनने वाली मशीन भी अब अब हाफती नजर आ रही है आपको बता दें तक जो गिनती निकलकर सामने आई है तो दो पैतीस करोड़ रुपए जो है अब तक जब्त किए जा चुके हैं आयकर विभाग के जरिए जीएसटी वगैरह सब वहां पर पहुंचे हुए हैं लगातार छापे मारी हुई है दो करोड़ जो रुपए है वो कैश जमा कर चुके हैं अब ये और इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि 250 किलो चांदी और 25 किलो की सोने की सिल्लियां जो है वो देखने के लिए मिली है साफ पर अगर आपने के फिल्म देखी लेकिन इस वक्त पीयूष जैन के घर से जिस तरीके से पैसे की गड्डिया और सोने और चांदी जो है मिल रहे हैं इससे उस फिल्म की याद दिलाते हैं कि किस तरीके से एक नेता के घर पर जब रेड होती है तो वहां पर नोटों की गड्डी सोने के और चांदी के बने हुए सामान बरामद होते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा ही आलम देखने के लिए मिल रहा है अब ऐसे में आपको बता दें कि पीयूष जैन का नाम जो है बार बार समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है जिसके वजह से अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है अखिलेश यादव साफ तौर पर जो है बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक जो है उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश यादव का एक और ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उप्र के माननीय सत्ताधारी कह रहे है कि जो सत्ता से दूर है उसके पास पैसे कहां से आए इसका मतलब साफ है कि है कि भाजपा मानती कि सत्ता में रहने पर वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाती है वसूली से भी, भी, से भी 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 ट्रांसफर पोस्टिंग और और बुलडोजर का डर दिखाकर चंदे बोरी की शर्मनाक बयान यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का जो नाम उछल इस पूरे मुद्दे में सामने आ रहा है इस बात से अखिलेश यादव को काफी ज्यादा मिर्ची लग रही है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब यादव को तोड़ के पेश कर रहे बयान बयान समाजवादी का जो पार्टी है उसका दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं आपको बता दें कि ये वही अखिलेश यादव है जो कुछ दिन पहले तक जब सपा के कार्यकर्ताओं के घर पर रेड पड़ रही थी तो ये कहते नजर आ रहे थे की बीजेपी बदला लेने और परेशान करने के लिए जो है सपा कार्यकर्ताओं के घर पे रेड डलवा रही है और यही इनका काम है बदले की राजनीति की जा रही है क्या बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगेगा बीजेपी को कुछ भी इससे हासिल नहीं होने वाला है वहीं पर जब इस तरीके से समाजवादी को लॉन्च करने वाले व्यापारी पियूषन के घर से पहले जो है डेढ़ सौ करोड़ रुपए उसके बाद एक सौ सतहत्तर एक सौ अस्सी अब आंकड़ा दो सौ पैंतीस करोड़ के पार हो चुका है तो शुरुआत में अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी उसके बाद मनीष अग्रवाल के ट्वीट को रिट्वीट किया उसके बाद फिर एक सफा देते नजर आए अब एक बार फिर से वो सफाई ही देते नजर आ रहे हैं यानी कही ना कहीं समाजवादी पार्टी का चेहरा लोगों के सामने अखिलेश यादव, यादव भी चूकते नजर नहीं आ रहे साथ ही साथ आपको बता दें कि इत्र नगरी कन्नौज में लगातार छापेमारी जारी है कानपुर के जो पीयूष जैन है उनके यहाँ तो छापेमारी हुई उनके भी अलग अलग ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई है और उनके कन्नौज वाले ठिकाने पर भी जो है पुलिस की टीम जो है पहुंची थी और तीसरे घर में भी उनकी तलाशी शुरू हो गई है देर शाम तक वो इंतजार करते रहे चाबी नहीं मिलने के बाद घर का ताला तोड़कर अंदर गए और वहां पर भी नोटों की गद्दी बरामद की और वहां पर भी अब गिनती शुरू है यानी लगातार जो है नोटों की गिनती जो है अब तो कंटिन्यू हो रही है जारी है अलमारियों में भरे हुए नोट अलग अलग जगहों में गड्डी में बंधे हुए नोट सोने चांदी इस तरीके से बरामद हो रहा है यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक इत्र कारोबारी बताने वाला एक कहने वाला कि मेरे और भी कारोबार है

आने वाले वक्त में और कितने नोटों की गड्डिया बरामद की जाएगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा क्योंकि डेढ़ सौ से दो सौ पैंतीस का आप देख सकते हैं मैंने इतने इतने है, तो साफ तौर तो पर अकाउंट बैलेंस इंसान को रहता है कि चलो अकाउंट बैलेंस है या इतने की किसी के पास प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ पे तो नोटों की बरसात हो रही है ये वही पार्टी है जो चीख चीख कर कहती है कि मैं गरीब पार्टी हूँ गरीब पार्टी के जो करीबी है उनके घर से दो करोड़ रुपए कैश बरामद हो रहे हैं तो कितनी गरीब पार्टी है ये इसका अंदाजा भी अब लोगों को लग चुका है और साफ तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये समाजवादी पार्टी के लिए जो है एक बड़ा तमाचा है और यही कारण है कि अखिलेश यादव इस वक्त हमलावर नहीं होकर इस वक्त जो है वो सिर्फ सफाई दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन वो बचा सके चुनाव में जो है लोगों को फिर से अपने आप पर जो है भरोसा दिला सके लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है की तो इतने ज्यादा पैसे इनके घर से इनके रिश्तेदारों के घर से जो है बरामद किया जा रहे हैं अगर ये सत्ता में होते तो क्या कुछ करते और यही बात जो है रास नहीं आती नजर आई और यही बात का जो है मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि जो मेन मुद्दा है उसे भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा ना करें लेकिन समाजवादी पार्टी को अब यह समझ जाना चाहिए कि लोगों ने उन्हें कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है है सवालों की बौछार जो समाजवादी पार्टी के ऊपर शुरू हो चुकी है और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को इन सभी सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा की आखिर उनके करीबी पीयूष जैन के पास इतने पैसे कहाँ से बरामद हुए इतने सोने इतनी चांदी इतना जो संपत्ति है ये कहा से उनके पास मिला है और आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी के संबित पात्रा हो या स्वतंत्र देव हो सभी ने जो है टिप्पणी की और इस काले धन की इस काले कमाई के जो है उन्होंने हिसाब मांगा है कि आखिर इतना काला धन इनके पास आया कैसे और एक कारोबारी अपने आप को बताने वाले उसके घर से इतने पैसे बरामद हुए हैं आखिर इस पूरे मामले के पीछे और कौन कौन है सपा कार्यकर्ता एक अखिलेश यादव के करीबी पीयूष जैन के यहां से ऐसा बरामद हो रहा है तो सपा ने और कितने घोटाले किए होंगे सत्ता में नहीं होके अगर ऐसा आलम है तो सत्ता में रहते तो लोगों का कितना खून चूसते ये भी समझ में जो है लोगों को अब आ रहा है अब ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है अखिलेश यादव लपेटते हुए नजर आए इस पूरे मामले में जो है समाजवादी पार्टी जो है गिरती हुई नजर है। इस पूरे मामले में श्राप दिया था समाजवादी था पार्टी को लग गया उन्होंने चिक चिक गरीबों की पार्टी है और ऐसे में गरीबों के पार्टी के घरों से जो है गरीबी जो लोग हैं उनके घर से 235 करोड़ रुपए बरामद किए जा रहे हैं मतलब कितने गरीब है यह पार्टी इस बात का अंदाजा अब चुनाव से ठीक पहले

कहा जा रहा है कि इतने जल्दी तो गिर, -गिर भी रंग नहीं बदलता है जितना जल्दी जो अखिलेश यादव है वो बयान बदलते नजर आ रहे हैं पहले कहते थे कि जो रेड हो हो रही रही है है वो बदला की भावना से परेशान करने के लिए हो हो रही है जैसे जैसे ही ही पैसे 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 बोल रहे थे बरामद बरामद नहीं होंगे हो गए वैसे उनका स्टेटमेंट ही बदल गया और सब कुछ बीजेपी के ऊपर थोप दिया उन्होंने तो यानी लोगों को भी अब साफ तौर पर इनका जो दोहरा चेहरा है दोहरा चरित्र है वो देखने के लिए मिल रहा है और जनता अब सवाल कर रही है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में पीयूजन के पास दो करोड़ रुपए जिसमें अभी भी आपको बता दें कि गिनती जारी है दो करोड़ रुपए दो किलो चांदी 25 किलो सोने की पर भरोसा रहे तो लोगों को उनके सवालों का जवाब मिलना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है लोग चीख चीख कर सवाल पूछ रहे हैं और सपा के लोग जो है अब बीजेपी पर निशाना साध के इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से नोटों की गड्डिया